का दीपा और भारती से की एक मोमेंटो देकर प्रवेश जी का स्वागत करें। सुधा जी भी ज्वाइन करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब आप याद होगा कल तो विजयदशमी का पर्व है और अभी रामलीला का मंचन बहुत बाकी है। मैं भी अभी देख रहा था कि लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मार दिया। मेघनाथ को ये वरदान मिला हुआ था कि उसको वही मार सकता है जो रात को सोता नहीं है। और लक्ष्मण जी जब वनवास पे अपने भाई के साथ गए तो पहली रात को उन्होंने निंद्रा देवी को बुलाकर ये प्रार्थना की कि 14 साल तक आप मेरे पास मत आना ताकि मैं रात को उठकर अपने भाई भाभी की सेवा कर सकूं, रक्षा कर सकूं। तो मेघनाथ को ये वरदान था कि वही मार सकता है जो रात को सोता नहीं है, इसीलिए लक्ष्मण उनको मार पाए। तो ये सब तय होता है, विधि का विधान होता है, वरना रावण जैसा शक्तिशाली विद्वान धनी व्यक्ति जो रावण के 10 सर थे, 10 सर ये दर्शाते हैं कि 6 शास्त्र और 4 वेद उनका विद्वान रावण था, मगर उसके बाद भी उसका अंत हुआ। और उसका अंत इसलिए हुआ क्योंकि उसने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं मानी। नरेंद्र मोदी जी कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और रावण ने एक बेटी और एक माता और एक धर्मपत्नी सीता का हरण किया। अगर वो मोदी जी की बात मान लेता तो शायद आज रावण की भी पूजा हम लोग करते। मगर मैं आप सभी को विजयदशमी की, नवरात्रे की, नवमी की और दिवाली की और छठ की बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप हमेशा खुश रहिए ऐसी भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। सब प्यार से बोले जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच। प्रवेश जी ने आज के रावण के बारे में बताया है। आज के रावण को मारना बहुत ही जरूरी है और बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी। ये जो हमारी राम सीता की जोड़ी है अकेश सिन्हा जी और सुधा सिन्हा जी, ये भी द्वारका के द्वारका में चाहे वो सोशल काम हो, चाहे वो हर डिपार्टमेंट के कोई बड़े से बड़े अधिकारी और फिर ऐसे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो ये जोड़ी हमेशा आगे रहती है और हमेशा आगे रहे ऐसी भी हमको प्रार्थना करनी चाहिए। होगा जिसमें मैजिक शो, उसके बाद एक स्लम बच्चों के द्वारा फैशन शो, म्यूजिकल प्रोग्राम, डांस शो और उसके बाद बॉलीवुड के एक्टर सत्य कपूर यहाँ आएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे अतिथियों से कि कृपया मंच पे आए। हमारे बीच डॉक्टर सचिन कांत जी आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने धर्मपत्नी विजिता जी के साथ मंच पे आए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डी के आचार्य जी के कृपया उनको मंच पे लेके आए। ये ज्वाइंट कमिश्नर है केंद्रीय विद्यालय के, डॉक्टर सचिन कांत जी दिव्य में बिठाए प्लीज। थोड़ा तालियां बजाने में दिलचस्पी ना करें आप लोग। हमारे मध्य में मिस्टर राजकुमार आए हैं जो चेयरमैन हाउस टैक्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका मंच पे आ जाए। मिस्टर राजकुमार जो HDFC में हाउस टैक्स के चेयरमैन है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका मंच पे आ जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री शंभुनाथ शास्त्री से कि वो भी कृपया मंच में आए। श्री शंभुनाथ शास्त्री जो एक समाज सेवी है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच में आए। हमारे बीच श्री आर.आर. अनेजा जी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि श्री सचिन कांत जी का, डॉक्टर सचिन कांत जी का स्वागत एक पटका बना कर करें। आइए आगे जी, देखिए इधर करूँगा सब। राजीव रंजन जी की विनीता जी का स्वागत एक पटका लेकर करे ना जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा
तिवारी जी से कि उनको एक मोमेंटो डॉक्टर सत्यकार जी को एक मोमेंटो देकर सम्मानित करें। आइए अभी आइए चंद्रपाल जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा खन्ना साहब से और शेखराजन साहब से कि पट्टा और मोमेंटो देकर स्वागत करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाटी साहब से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चमन लाल जी से और डीके आजाद जी से कि उनका स्वागत। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुधा से, थैंक यू। श्री प्रवीण राणा जी उपस्थित हैं जो पूर्व डिप्टी मेयर रहे एसडीएमसी के, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मनोज जी उनका स्वागत एक पटका पहनाकर करें। और मैं ये प्रार्थना करूंगा राणा जी से कि दो शब्द इस शुभ अवसर पर जरूर कहें। धन्यवाद। यहाँ रामलीला समिति के सभी सदस्य, प्रेजिडेंट साहब और पूरी टीम आपकी, और यहाँ पे उपस्थित जो इस धार्मिक रामलीला को जो देखने आते हैं यहाँ पे उपस्थित हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। बड़े ध्यानपूर्वक यहाँ सुन रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं इस टीम को और पूरे यहाँ पे आए सभी दर्शकों को कि वो आते हैं ऐसे धार्मिक महोत्सव के ऊपर, वो बार बार आते हर साल आते, मगर यहाँ पे कंपटीशन है द्वारका के अंदर। आपकी बहुत सुंदर जो रामलीला आप कराते हैं, दूर दूर तक चर्चा होती है, हम स्वीट सेंटर में बैठते थे तो अक्सर ये चर्चा होती थी कि इस बार रामलीला कौन सी अच्छी होगी। तो आपकी रामलीला जो आप कराते हैं मुकेश जी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि सबसे अच्छी द्वारका की जो रामलीला आप कराते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और ऐसे ही धार्मिक आयोजन आप करते रहिए, सामाजिक आयोजन आप करते रहिए, आपके साथ भगवान आपके साथ है, आपकी टीम आपके साथ है, हमारा सबका सहयोग आपके साथ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, धन्यवाद। परवीन जी, आप द्वारका रामलीला महोत्सव में आए जहाँ पे मुकेश सिन्हा जी रामलीला का मंच करवा रहे, आपने देखा भी होगा कि कितना अच्छा मंच है यहाँ पे, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, यहाँ जो धार्मिक रामलीला जो होती है, जो मुकेश जी की टीम, भाटी जी टीम जो हैं, गुप्ता जी जो टीम है यहाँ पे, बड़ी अच्छे ढंग से जो संगठन में मिलके ये काम करते हैं हर साल। मैं देखता हूँ बड़ी दूर तक चर्चा होती है यहाँ की रामलीला की, इसके अंदर द्वारका में तीन चार जो रामलीला होती है, तो उन अच्छी एक रामलीला में से यहाँ पे जो यहाँ पे लोग जो मिलके जो काम करते, काम बांट के जो काम करते, जो मेहनत करते हैं, उनका गजब का वो काम करते हैं आपस में बांट के, तो यहाँ की रामलीला देख के और यहाँ की जो दुकान स्टॉल और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ना, उनसे लगता है कि हाँ वाकई में यहाँ पे कोई अच्छी रामलीला हो रही है। इन जैसे भाटी जैसे लोग यहाँ पे जो काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, इनके शरण में आके और भी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मेरे को बड़ा महसूस हुआ यहाँ पे आके, बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ हर साल आयोजन होता है, इस बार तो उससे भी पिछले साल से अच्छा आयोजन है। कुंभकर्ण का वध होगा, मेघनाथ का वध होगा, अहिरावण का वध होगा, और इसे इस लीला को बहुत अच्छी तरीके से हमारे कलाकारों ने काफ़ी अच्छा जो है इसको तैयार किया हुआ है। रामचंद्र जी को समुद्र से का जो अहिरावण निवासी है वो उनको अपनी माया के जाल में छिपा करके ले जाता है, और महावीर हनुमान जी उनको खोज करके लाते हैं, और इस तरीके से आज की जो लीला है बहुत सुंदर दिखाई जाएगी।
खून कर लिया होगा। भाव में क्यों नहीं हो, बार बार रुक क्यों जाते हो? बोलो महाराज इंद्रजीत। हाँ हाँ इंद्रजीत, वीर गति को प्राप्त हो गए। कैस 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 कैस